हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बनाने वाले मूंग दाल कैप्सिकम फ्राई। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर डाल दिया 1.5 चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल जैसे गर्म हो गया, उसमें हमने डाल दिया थोड़े से जीरा और राई। फिर हमने इसके अंदर डाल दिया 1 कटोरी मूंग दाल। इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में। लगता है तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सर्दी की वजह से तेल थोड़ा सा थिक हो गया था और डबल हो गया पोर्शन में। मैं इसको तेल भी अलग कर लेती हूँ और तब तक सब्जी भी हम लोग काट लेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या सब्जी लगती है। मूंग दाल भी फ्राई हो जाएगी अपने में। एक बड़ा प्याज ले लिया, उसको मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है, और 2 छोटे टमाटर, उसको भी थोड़ा बड़े पीस में, और 1 छोटा सा प्याज, उसको छोटे छोटे पीस में, और 4 कैप्सिकम, उसको भी मैंने बड़े पीस में काट लिया है। चलिए हम लोग देखते हैं मूंग दाल कितना फ्राई हुआ है अब तक। मूंग दाल भी अच्छे से फ्राई हो गया, एकदम परफेक्ट कलर में है। बिल्कुल धीमे आंच में ही रखना है अब तो, थोड़ा सा भी हाई करोगे तो जल जाएगा। और इसमें हमने जो छोटे कटे हुए प्याज डाल दिया पहले, प्याज को हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जल्दी बन जाता है। 10-15 मिनट के अंदर अगर आप सब्जी काट के रख लिया तो 10-15 मिनट के अंदर बन जाएगा। अभी प्याज अच्छे से फ्राई हो गए, ज़्यादा नहीं फ्राई करना था, और इसमें हमने डाल दिया टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें कुछ भी मसाले डालने की ज़रूरी नहीं है, इसमें एक ही पाउडर डालना है, मतलब मसाला, गन पाउडर बोल के जानते हो ना आप लोग, वो वाला गन पाउडर नहीं, ये है गन पाउडर 2.0। बस वो और नमक चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, अभी भी आंच मैंने लो फ्लेम में ही रखा है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग तब तक सोचिए गन पाउडर 2.0 क्या है। अभी फ़िलहाल मैं उसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है, इसलिए अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। मैंने इसको ढक के रखा था 2 मिनट के अंदर ही। तो देखिए टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए। तब तक हम लोग कैप्सिकम
और प्याज को फ्राई करके रख लेंगे दूसरी कढ़ाई में। थोड़ा और पकने देते हैं इसको। एकदम देखिए एकदम परफेक्ट पक गया, अभी एकदम ड्राई भी है। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ कैप्सिकम और प्याज। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दाल गली गई, ज़्यादा नहीं गलाना है, हल्का सा गलाना है। टमाटर के साथ ही दाल गल जाता है। जब प्याज और कैप्सिकम मैंने फ्राई किया है उसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही सिंपल प्याज और कैप्सिकम को हमने फ्राई कर दिया है। कुछ लोग शिमला मिर्च बोल के जानते हैं, कुछ लोग कैप्सिकम के नाम से जानते हैं। आपके साइड क्या नाम से जानते हैं शिमला मिर्च की कैप्सिकम? ये है हमारा गन पाउडर 2.0 और इसको डाल देंगे हम लोग 2 से 3 चम्मच। मैं बताई थी ना इसको, मैं अभी फ़िलहाल इसकी रेसिपी नहीं बता रही हूँ, दोबारा कभी बना के बताऊँगी आप लोगों को। क्योंकि फ़िलहाल देखा ना मेरे पास अभी भी है, तो ज़्यादा बना के भी करना क्या है। ये लगभग एक बार बना लिया आपके पास 6-7 महीने आराम से रहेगा। एक बार बना के रख लो 6-7 महीने एकदम बिना फ्रिज में रखने की भी ज़रूरी नहीं, आप बाहर भी रख सकते हो उसको। तो 6-7 महीने तक बचेगा नहीं, क्योंकि गन पाउडर को डोसा के साथ भी खाते, इडली के साथ भी खाते, उपमे के साथ भी, आप लोग चाहिए तो रोटी के साथ भी खा सकते हो, चपाती के साथ, चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं, या ऐसे सब्जी में भी डालते हैं। देखिए मैंने 1 मिनट के लिए फिर से ढक के रख दिया था और 1 मिनट के बाद एकदम अच्छे से बन गया है। देखिए मसाला कैसे एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, ना ज़्यादा ना कम। स्मेल दोस्तों वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। मैं तो इसको चपाती के साथ ले रही हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए तो चावल के साथ, पुलके के साथ भी ले सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।